Hey, hello guys, तो कैसे हो सब लोग। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग टॉप फोर बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं जिसके मदद से आप अपना लेवल को बहुत तेजी से इंक्रीज कर सकते हो। सो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। हमारे चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। हम लोग ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो लाते रहते हैं। एंड गाइस इस वीडियो का लाइक एम रख रहे 38K लाइक, उम्मीद है आप लोग 38,000 लाइक एम कंप्लीट कर दोगे। एंड अपने एक दोस्त के साथ शेयर भी कर देना ताकि हमारा चैनल डाउन ना हो जाए, पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा डाउन। एंड आप लोगों को तो पता है लेवल कितना ज्यादा मैटर करता है, मतलब काफी सारे बंदे तो ऐसे होता है जो लेवल देख के ही जज करता है कि ये प्रो प्लेयर है, इसको गिल्ड में लेना है गाइस। ठीक है, तो लेवल बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो, आपका लेवल बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक बंदे को दिखाता हूँ गाइस, देखो इसी से मैंने इंस्पायर होकर ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो ये बंदा देखो 89 लेवल, मतलब इंडिया का हाईएस्ट लेवल अभी है गाइस इसका। ओके गाइस, तो ये किस तरह से करता है गाइस लेवल अप मैं बताऊंगा गाइस। इस तरह से आप बोल सकते हो लेवल अप करने का सस्ता जुगाड़, मतलब आप बोर भी नहीं होंगे, सोलो में हो जाएगा एंड ग्रैंड मास्टर भी जाना नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत ईजी है गाइस। ठीक है, बस आपको थोड़ा बहुत मैं जो बोलूंगा वो स्टेप फॉलो करना है। हमारा फर्स्ट टिप्स की ओर, सो हमारा जो फर्स्ट टिप्स होने वाला है वो गाइस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। देखो ये जो लेवल अप ट्रिक है इसके लिए कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो देखो आपके पास अलोक या फिर के होना चाहिए गाइस। ठीक है, अगर अलोक है तो अलोक लो, अगर अलोक नहीं है तो के लो, के सबसे बेस्ट है क्योंकि के ज्यादा एचपी देता है गाइस। ओके, तो के ले लो, मैं यहाँ पे के लेके आपको दिखाऊंगा। इसके बाद जो कैरेक्टर एबिलिटी लगाना है वो बताता हूँ क्या कुछ लगाना है। देखो के अंदर आपको लगाना है सबसे पहले तो गाइस आपको केली लगा लेना है, क्योंकि केली गाइस आपको रन करने में मतलब भागने में आपको स्पीड देता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप केली लगाओ। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो स्लॉट है उस पर लगाना है आपको फोर्ट का एबिलिटी। फोर्ट का एबिलिटी क्या करता है गाइस, मतलब जोन का डैमेज कमाता है, मतलब जोन पे अगर आप रहोगे तो जोन का डैमेज मतलब बहुत कम पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो आपको लगाना है फोर्ट का एबिलिटी सेकंड स्लॉट पे। एंड थर्ड स्लॉट पे आप एंटोनियो लगा सकते हो या फिर गाइस आप जो मैक्सिम का एबिलिटी है वो लगा सकते हो, मतलब एकदम सस्ता कैरेक्टर कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ गाइस। ठीक है, ये सबसे बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है लेवल अप करने के लिए गाइस। ओके, एंड देखो ज्यादा से ज्यादा जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है यहाँ पे सारे के सारे मतलब मैक्सिमम जो कैरेक्टर है वो गोल्ड पे है गाइस। ठीक है, मतलब मैक्सिम भी गोल्ड पे है, फोर्ड भी गोल्ड पे है, केली भी गोल्ड पे है, बस आपको आलोक या फिर के चाहिए, इससे आपको एक्स्ट्रा एचपी मिलता है। एंड गाइस उसी के साथ साथ आपको ले लेना है बॉनफायर, बाउंटी टोकन या फिर एयर ड्रॉप वगैरह का कुछ काम नहीं है, आपको ले लेना है बॉनफायर। ठीक है, क्योंकि आपको सर्वाइव करना है, सर्वाइव का ही एक्सपीरियंस मिलता है। सो ये बढ़ते हैं हमारा सेकंड टिप्स की ओर। सो हमारा जो सेकंड टिप्स होने वाला है, देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस कार्ड के ऊपर होने वाला है। आप सभी लोगों को पता है कि अभी जितने भी लेवल अप करता है सारे के सारे एक्सपीरियंस कार्ड लेके ही करता है, एंड बिना एक्सपीरियंस कार्ड के मतलब बहुत ज्यादा टफ है लेवल अप करना गाइस। ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस कार्ड किधर किधर से फ्री में मिल सकता है मैं वो भी बताऊंगा, बस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। तो सबसे पहले जो एक्सपीरियंस कार्ड आपको मिलेगा ये देखो, यहाँ पे मेरे पास एक 100 का एक्सपीरियंस कार्ड है एंड एक 150 का एक्सपीरियंस कार्ड है गाइस। ठीक है, 100 वाला मैंने खरीदा नहीं, इलाइट पास का है। ठीक है, एंड सेकंड जो यहाँ पे 50 वाला है ये डायमंड रॉयल निकालने का ट्राई किया था बट नहीं निकला, बट एक्सपीरियंस कार्ड मेरे को निकल गया गाइस। ठीक है, तो ये दो मेरे पास है इसीलिए मेरा जो लेवल है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सपीरियंस मेरे को हर एक मैच पे बहुत ज़्यादा मिल रहा है गाइस। ओके, तो सबसे पहले जो एक्सपीरियंस कार्ड है वो आप 100 डायमंड पे खरीद सकते हो 7 दिन के लिए, यहाँ पे देख सकते हो मतलब 100% एक्सपीरियंस, मतलब डबल एक्सपीरियंस मिलेगा आपको गाइस। ठीक है, इससे तो ये आप 100 डायमंड का खरीद सकते हो 7 दिन के लिए। ये तो हो गया गाइस पैसे वाले के लिए, मतलब डायमंड जो उड़ाता है उन लोगों के लिए। ओके, एंड अभी आप लोगों को बताता हूँ मैं फ्री में कैसे मिलेगा। देखो यहाँ पे गाइस रैंक पे आ जाना है, जैसे ही आप गोल्ड 1 पे मतलब घुसते हो वैसे ही आपको एक एक्सपीरियंस कार्ड मिलेगा 3 दिन के लिए, एंड उसके बाद प्लेटिनम पे जैसे ही घुसते हो वैसे एक और एक्सपीरियंस कार्ड मिलेगा आपको, मतलब 2 एक्सपीरियंस कार्ड यहाँ पे रैंक से मिलेगा गाइस। ठीक है, इसके अलावा आपको जाना है गिल्ड वाला सेक्शन पे, आपको किसी भी गिल्ड पे घुसना है क्योंकि गिल्ड का अलग एक्सपीरियंस मिलता है गाइस। ओके, तो गिल्ड पे आपको घुसना ही है, गिल्ड पे घुसने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे यहाँ पे गिल्ड वाला सेक्शन पे जाने के बाद आपको कैलेंडर पे जाना है, यहाँ पे देख सकते हो हर ट्विस्ट डे को यहाँ पे 50% एक्सपीरियंस कार्ड फ्री में मिलता है, तो आपको इधर गिल्ड से क्लेम कर लेना है हर एक ट्विस्ट डे को गाइस। ओके, मेन चीज ये है आपको गिल्ड में घुसना ही पड़ेगा, गिल्ड में आपको फ्री में एक्सपीरियंस कार्ड मिलेगा। इसके अलावा जो FF टोकन होता है उसको एक्सचेंज करके, जो डायमंड रॉयल होता है वो एक्सचेंज करके अगर आप यहाँ पे डायमंड रॉयल पे स्पिन करोगे तो भी आपको फ्री में जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस कार्ड मिल सकता है। इसके अलावा आपको 100% एक्सपीरियंस कार्ड इलाइट पास से मिल सकता है गाइस। ठीक है, 7 दिन के लिए, तो आप इलाइट पास ले सकते हो अगर आपके पास डायमंड हो तो, क्योंकि एक्सपीरियंस कार्ड बहुत ज्यादा मैटर करता है, 50% या फिर 100% होगा दोनों में से एक तो भी चलेगा, बट जब तक होगा तब तक आपको लगातार मतलब रात दिन खेलना पड़ेगा गाइस। ठीक है, सो ये बढ़ते हैं हमारा थर्ड टिप्स की ओर। तो हमारा जो थर्ड टिप्स होने वाला है वो गाइस सर्वाइव के ऊपर। तो आपको सर्वाइव कैसे करना है, आपको सर्वाइव सीधा सीधा बात है गाइस, आपको पानी में चला जाना है गाइस, एकदम मतलब कोने में चला जाना है पानी में, क्योंकि गाइस देखो अगर आप थोड़ा सा भी मतलब
अंदर की साइड पे रहोगे तो रेंज आ जाएगा गन का एंड आपको मार दिया जाएगा। तो आपको सीधा तैरते तैरते एकदम पानी के कोने में चला जाना है एंड आराम से आपको बैठे रहना है उधर गाइस, क्योंकि आपके पास के कैरेक्टर है तो कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है, या फिर आपको आलोक है तो भी कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड जोन आपका मतलब जोन कुछ भी नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे मैंने टाइम दिखा दिया, 6:09 हो रहा था, ठीक है, तो उसके बाद से आपको सीधा सीधा दूसरे किसी घड़ी में या फिर कहीं पे भी देखना है एंड आपको 7 से 8 मिनट तक आपको यहीं पे जोन पे बिताना गाइस, ठीक है। उसके बाद आपको जोन के अंदर जाना है एंड मतलब ऐसे ऐसे करते करते आपको 10 से 12 मिनट आपको जोन के अंदर सर्वाइव करना गाइस, ठीक है। जोन के अंदर हो बाहर हो आपको 10 से 12 मिनट सर्वाइव करना पड़ता है। देखो इससे आपका गेम प्ले बिल्कुल इंप्रूव नहीं होगा मैं मान रहा हूँ, बट आपका लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा गाइस, ठीक है, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। आपको तो पता है हर एक जो गेम होता है वो 20 से 25 मिनट के बीच में होता है, मतलब एग्जैक्टली इतना ही है, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर अच्छा बंदा आता है एकदम लास्ट जोन तक फाइट चला तो ऐसे ही होता है, मतलब 20 से 25 मिनट के बीच में ही होता है हर एक मैच। तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको 12 मिनट से 15 मिनट तक या फिर 10 मिनट से 15 मिनट तक आपको सर्वाइव करना है गाइस, मतलब जोन के बाहर हो या फिर जोन के अंदर हो सर्वाइव का ही आपको एक्सपीरियंस मिलता है, किल का कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता गाइस आपको, ठीक है। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको सर्वाइव करना है एंड देखो अभी भी थर्ड जोन मतलब बन चुका है फिर भी मैं यहाँ पे जिंदा हूँ जोन के बाहर गाइस, ठीक है। आप लोगों ने तो देखा ही 6:09 से पूरा 6:20 तक हो गया, मतलब पूरा के पूरा 11 मिनट सर्वाइव हो गया, 11 मिनट काफ़ी ज़्यादा होता है गाइस, पूरा एक्सपीरियंस मेरे को मिल जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत कम करके पूरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, मतलब बुइया करने तक का टाइम तो बच जाएगा गाइस, ठीक है, मतलब उसके बाद मेरे को एक और मैच लगाना है, ऐसे ऐसे करके नॉनस्टॉप करते जाना है मेरे को, मतलब 10 से 12 मिनट मेरे को सर्वाइव करना है। देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे कोने में देख सकते हो 540 एक्सपीरियंस मिल गया मेरे को, मतलब पूरा के पूरा सर्वाइव करने का 11 मिनट सर्वाइव करने का मेरे को एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल चुका है एंड किल का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। देखो मैंने गिल्ड में ज्वाइन किया है, गिल्ड का भी एक्सपीरियंस मिल रहा है एंड रैंक के हिसाब से एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपका रैंक भी प्लस हो जाएगा इससे एंड उसी के साथ साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ जाएगा, मतलब आपको बस सर्वाइव करना है 11 से 12 मिनट, आपको किल करना ही नहीं है। मतलब आपको देखो गाइस एक मंथ अगर आप इस ट्रिक को यूज करते रहो तो आपको लिटरली बता रहा हूं अगर आपका 70 लेवल है तो आपका मिनिमम 74 के आसपास लेवल बढ़ जाएगा, बहुत स्पीड से इंक्रीज होता है इससे लेवल गाइज। एंड ब्राजील सर्वर का एक और बंदा मतलब ऐसे ही करता है गाइज, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था पहले कि लाइक भी नहीं है इसके प्रोफाइल पे, मतलब 2000 लाइक था गाइज, ठीक है, एंड बंदा का लेवल था 94। अब बताओ सो भी बढ़ते हमारा 4 टिप्स की, सो हमारा जो 4 नंबर टिप्स है वो है गाइज, देखो आपको जोन के बाहर जाना ही नहीं है गाइज, ठीक है, आपको जोन के बाहर जाना नहीं है क्योंकि आपके पास गन वगैरह कुछ भी नहीं होगा, जोन के बाहर जाने का कोई फायदा ही नहीं है, आपको जितना ज़्यादा हो सके जोन के अंदर रहना है एंड जोन के अंदर ही आपको एलिमिनेट कर लेना है, मतलब जैसे 10 से 12 मिनट होता है आपको जोन के बाहर जाने का ट्राई भी नहीं करना, आपको बस एलिमिनेट कर लेना है गाइस, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको 500 से 600 एक्सपीरियंस मिल जाएगा गाइस, जैसे मेरे को देखो यहाँ पे मिल रहा है, देखो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे को मिल रहा है गाइस, ठीक है। अगर मैं बोइया भी करता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे मैं बोइया करके दिखा रहा हूँ, बस 700 एक्सपीरियंस मिलता है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब 20 से 25 मिनट लग जाता है, वहीं पे मैं 12 मिनट पे 500 एक्सपीरियंस लूँगा एंड उसके बाद फिर से नेक्स्ट मैच लगाऊंगा, मतलब 10 मिनट मेरा फिर से सेव हो जाएगा, मतलब मेरे को वहीं पे 1000 एक्सपीरियंस मिल जाएगा गाइस। एक बोइया से मेरे को 700 एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसी के जगह मेरे को मतलब दो बार एलिमिनेट कर लेना है, मतलब 10 से 12 मिनट सर्वाइव करके वहीं पे मेरे को 1000 से 1100 एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो कौन सा वाला बेटर है आप लोग चूज करो, बोइया करना बेटर है या फिर आपको सर्वाइव करना है, मतलब जस्ट सर्वाइव करना है और कुछ करना ही नहीं है गाइस। इसी तरह से आप अपना लेवल को इंक्रीज कर सकते हो, बस यही था टिप्स एंड ट्रिक्स, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय गाइस, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा।